A very good morning once again, guys. Very, very good morning. चलिए दोस्त, हम लोग अब एक आ रहे हैं क्वेश्चन जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर गिवन होगा और हम लोगों ने उसमें बैलेंस शीट बनानी है और रिसीव पेमेंट बनाना है बेटा। तो सारे बच्चे, एक हमारे पास पेज नंबर 9.13 पे एक इलस्ट्रेशन 5 है। मैं बच्चों को बोलूंगा बेटा इस पे सारे फोकस करें। पेज नंबर 9.13 पे वी हैव इलस्ट्रेशन 5। बच्चे बच्चा इस पे फोकस कर लें और अपना उल्टा एक सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने सीखना था कि इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन होगा और मुझे बैलेंस शीट बनानी है और रिसीव पेमेंट बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हमने सीखना है। चलिए लुक हियर, लाइक वी गॉट सैलरी। अब आपको पता है ये सारी ड्यू आइटम्स हैं, ठीक है, दिस इज इनकम ड्यू। तो ये एक बार एडजस्टमेंट सारी पढ़ लें। नीचे आपके पास क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015, बेटा हमारा करंट ईयर 2016 है, भूलना नहीं, हमारा करंट ईयर 2016 है, सो डोंट फॉरगेट दिस कि करंट ईयर हमारे पास कौन सा है, 2016। एडवांस, एडवांस और आउटस्टैंडिंग सारा गिवन है। अब सैलरीज भी आपके पास बिगनिंग और एंड की आउटस्टैंडिंग आपको मेंशन है। जनरल एक्सपेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस आपका इंक्लूडेड है। ऑडिट फीस 2016 की इज आज भी अनपेड। बोलता ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फी 2015 का वॉज पेड अमाउंटिंग टू ₹200। सो अब एक चीज याद रखना, बहुत बार प्रीपेड और एडवांस लिखा होता है या आउटस्टैंडिंग लिखा होता है, उसके साथ डेट मेंशन नहीं होती। याद रखना मेरे बच्चा, उसके साथ आपको डेट मेंशन नहीं होती। अगर आपको डेट नहीं लिखी होगी तो याद रखो वो क्लोजिंग ही माना जाता है। जैसे अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, आपको लिखा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूडिंग प्रीपेड, तो अब ये प्रीपेड कौन सा होगा, ऑब्वियसली ईयर एंड का। बोलता है क्लब के पास एक फ्री होल्ड लीज ग्राउंड था ₹10,000 का। क्लब के पास एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था January 2016 में, जिसको वैल्यू करा ₹2600 का। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन करने के बाद ये इक्विपमेंट ₹2700 का वैल्यू करा। 2015 में क्लब ने एक बैंक लोन रेस करा ₹2000 का और ये आउटस्टैंडिंग था 2016 में। दिसंबर 2016 को कैश इन हैंड 1600 था। नोटिस कर लीजिएगा मेरे भाई, कैश इन हैंड कितना था, 1600। ओके, ये क्लोजिंग कैश गिवन है, आपको ओपनिंग नहीं गिवन है। इसका मतलब ये होता है कि ओपनिंग कैश मिसिंग है, तो रिसीव पेमेंट आपको उसी अकॉर्डिंगली बनाना है। पहले बच्चों को मैं क्या रेकमेंड करूंगा बेटा, ऑलवेज स्टार्ट एनी एनपीओ क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स। सो हम लोग यहां पर जो कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन 5। हमेशा याद रखिएगा आपके पास वर्किंग नोट्स के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करें, और वर्किंग नोट्स के लिए सबसे पहला वर्किंग नोट द बेस्ट वन इज सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, ऑलवेज। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द रिवर्स ऑर्डर, लाइक सपोज कर लीजिए अगर आप रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, तो रिवर्स ऑर्डर में जैसे इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसीव पेमेंट आपको बनाना है। अगर आप फॉर्मूला वाला फंडा फॉलो करोगे दोस्तों, तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, प्लस वाले को माइनस एंड ऑल दैट, सो वो मत करिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं अकाउंट के फॉर्मेट पे आइए, अकाउंट का फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले जो नीचे मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग जो 2015 की गिवन है, एज यू नो दैट 2016 मेरा करंट ईयर है, सो मेरे पास ₹600 आ गया। और जो एडवांस मुझे 2015 का गिवन है, वो गिवन है 450। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग जो मुझे 2016 की गिवन है, वहां पर आप नोटिस करते हो 750,
और जो एडवांस मुझे 2016 की गिवन है वो आता है 270। डन। अब जो सब्सक्रिप्शन आपको इनकम साइट पे लिखी हुई है वो आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 7500। नेक्स्ट अगर आप देखते हो बच्चा, याद रखिएगा, दिस इज योर कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शंस। सो ये कैश रिसीव्ड होता है। अब जो कैश रिसीव्ड आपके पास सब्सक्रिप्शंस का आ रहा है दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। सो अगर आप इसमें नोटिस करोगे आपके पास सब्सक्रिप्शंस का ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 600 प्लस 7500 प्लस 270 माइनस 450 एंड माइनस 750। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 7170 एज कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शंस। सो आपको यहां पर मैंने जैसे बताया था कि या तो ड्यू निकालना होता है या कैश रिसीव निकालना होता है, तो आपने कैश रिसीव निकाल लिया विद द वर्किंग नोट। ओके, सो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। नाउ अब यहां पर सैलरीज का भी अगर आप देखोगे ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है। एज आई टोल्ड यू कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दोनों गिवन हो, सो बच्चों के लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है बच्चा, अपना सैलरीज का अकाउंट बना लें। द बेस्ट पार्ट इज अकाउंट बना लें। अब जैसे यहां पर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग 2015 का आपको नीचे लिखा हुआ है 10400 और 2016 का आउटस्टैंडिंग दैट इज गिवन एज 450। अब जो सैलरीज आपको ऊपर लिखी हुई है इनकम एक्सपेंडिचर में, जरा पढ़ लीजिएगा प्लीज क्वेश्चन को, कि आपको जो सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर में दी हुई ऑब्वियसली दैट सैलरीज ड्यू। सो यहां पर आ जाएगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर सैलरीज ड्यू 4750। नाउ द बैलेंस विच विल बी दैट विल बी कैश पेड फॉर सैलरीज। सो वो क्या हो जाता है बच्चा, दैट विल बी द कैश पेड फॉर सैलरीज। सो ये आ जाता है 4750 माइनस 450, आपके पास बाकी बैलेंस आ जाता है 4700। सो 4700 मेरे पास बाकी आ गया बैलेंस फॉर कैश पेड। ओके, सो ये कैश पेड आने के बाद बच्चा प्लीज चेक कर लें, कैश पेड आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या बनेगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आपको नीचे लिखा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड। देखो बच्चा, प्रीपेड खाली एक इंफॉर्मेशन है, सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए वर्किंग नोट मत बनाइए जब तक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ना गिवन हो। बच्चों के मन में सवाल उठेगा, सर आपने सैलरी का बना दिया, आप इंश्योरेंस का बनाओ। बेटा इंश्योरेंस का ओपनिंग कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, दोनों गिवन है तो बनाओ, लाइक ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस का अगर आप देखोगे, मेरे पास यहां लिखा है 2016 में इज आउटस्टैंडिंग अभी तक है, और 2016 में 2015 का आपने पे करा था जो कि था 200। अब ऑडिट फीस को लेकर आप सोच सकते हो कि आपने वहां पर 2016 का पेड निकालना है। अच्छा, अब आपको एक बात वहां देखोगे तो ऑडिट फीस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, क्योंकि लिखा हुआ है 2016 में आपने 2015 की आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस पे करी थी। तो इसका मतलब अब ऑडिट फीस का मैं एक छोटा सा अकाउंट बना लेना बेटर रहेगा, ठीक है। सो बच्चे क्या करें बेटा, ऑडिट फीस का अकाउंट बना लें, क्योंकि ऑडिट फीस हमारा 2015 का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है और ऑडिट फीस 2016 का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है। 2015 का ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग 200 है और 2016 का जो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अब यहां पे पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है ऑडिट फीस फॉर 2016 इज येट अनपेड। ओके, सो अगर आप देखोगे 2016 का ऑडिट फीस कितना है, दैट्स 250, दिस इज स्टिल अनपेड, दिस इज स्टिल अनपेड, दैट मीन्स ये 250 मेरा आज भी आउटस्टैंडिंग होगा। ओके, अब इनकम एक्सपेंडिचर में ऑडिट फीस कितना जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जो मेरा ऑडिट फीस जाएगा दैट विल बी द ड्यू पार्ट। ऑब्वियसली ड्यू करंट ईयर में कितना है, वो मेरे पास 250 है। सो मेरा कैश पेड कितना है ऑडिट फीस का,
So cash paid is 200. I'm doing this why? Because मेरे को एक सारा receipts और payment बनाने में आसानी हो जाएगी. So I can easily make receipts and payment account. Okay. इसके बाद अगर आप question check करते हो मेरे दोस्त, यहां पर आप ध्यान से देखना, मेरे पास question के अंदर एक depreciation given है. याद रखेंगे एक डेप्रीसिएशन गिवन है 300 का. जरा गौर करिएगा, और नीचे आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2600, और डेप्रीसिएशन लगाने के बाद 2700 का क्लोजिंग बैलेंस है. मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या तो मैंने परचेज किया हो सकता है या सेल किया हो सकता है. तो इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप एक छोटा सा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना ले. सो याद रखना मेरे भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना ले. ओके ठीक है. सो आप इसमें नोटिस करिए बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट आपको बना देता हूं. सो यहां पर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का गिवन है वो आप देखोगे दैट्स 2600, और जो क्लोजिंग बैलेंस मुझे गिवन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दैट वर्क्स आउट टू बी 2700, और जो डेप्रीसिएशन है जिसको मैं इनकम एक्सपेंडिचर में शो करता हूं दैट इज गिवन एज 300. तो यहां पर बैलेंस आता है दिस डिनोट्स योर परचेजेस. ठीक है, टू बैंक या कैश, कैश पेड फॉर परचेजेस, और ये बैलेंस आ जाएगा 400. तो ये बैलेंस मिसिंग था, ये मैंने निकाल लिया. ओके सो रितिका जी इज आस्किंग, रितिका जी पूछ रहे हैं कि सर ऑडिट फी अकाउंट रिपीट करना. मैं कर देता हूं बच्चा आपके लिए रिपीट. रितिका जरा ध्यान से देखना, ऑडिट फी अकाउंट बच्चा बहुत सिंपल है. आपके पास जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज पिछले साल का अगर इस साल पे करा तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको इस साल का लिखा है कि आपने नहीं पे करा 2016 का. 2016 में ड्यू कितना था, ड्यू जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में गिवन होगा, तो वही आपका आउटस्टैंडिंग है. आपने नहीं पे करा तो आपने सिर्फ पिछले साल का पे करा हुआ है, जो कि बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वही 200 है जो इस साल पे करा है. तो ये वही 200 है जो इस साल पे करा है. आप दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट लेके फॉलो कर सकते हो कि ये वही 200 है जो मैंने इस साल पे करा है. आई होप रितिका योर डाउट इज क्लियर. ठीक है, ओके. सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज निकाल लिया बच्चा मैंने. मैंने चारों मेन वर्किंग नोट्स बना लिए. अब बच्चे जरा क्वेश्चन को चेक कर लो, मेरे चारों के चारों मेन वर्किंग नोट्स बिल्कुल तैयार हैं. My all four working notes are absolutely ready, my dear friends. याद रखिएगा. बाकी अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आप देखोगे कि क्लब के पास एक लैंड था, उसकी कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है. बैंक लोन रेस करा, ठीक है, बैंक लोन रेस करने से पैसा आता है, दिमाग में रखिएगा. ठीक है, और ये लोन आपके पास आउटस्टैंडिंग था 2016 में, मतलब इसको रीपे नहीं करा. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले रिसीप्स एंड पेमेंट शुरू कर लेते हैं. अब मेरे दोस्त, मैं रिसीप्स एंड पेमेंट आप लोगों को बना के नहीं बता रहा, बिकॉज हमारे पास सोल्यूशन है. तो मैं आपको यहां पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं रिसीप्स एंड पेमेंट की, वो आप समझ लीजिएगा रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको कैसे बनाना चाहिए. देखिए, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 से करा वो आपको याद होगा 7170 हमारा आ गया था वर्किंग नोट से, राइट. जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करा था, जस्ट अभी मैंने कैलकुलेट करा आपके लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 400 मेरे पास आ गया था. जो ऑडिट फीस मैंने पे करी, जिसका मैंने पैसा पे करा था 200. ये सर आप फिगर्स कहां से ले रहे हो बच्चा, जो मैंने ऊपर अकाउंट बनाए हैं. ठीक है, ऑडिट फीस मेरा वहां पर आ गया. देन वी हैव सैलरीज पेड 4700 का. सो हम लोग यहां पर सैलरीज जो है जो हम पे कर रहे हैं वो मेरे पास आ रहा है 4700. सो ये मेरी कुछ मेन एडजस्टमेंट्स थी जिनका ट्रीटमेंट मैंने कर लिया. रेस्ट इज सिंपल, आई टेल यू रेस्ट क्या है बच्चा. अब यहां पे देखोगे दोस्त, सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट. तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल एक्सपेंस यहां पे दिखा दूंगा 500 रुपए.
इसी तरीके से पहले एक्सपेंस से पेमेंट्स पे आइए। ऑडिट फीस का हो चुका है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, मेरे दोस्त सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, हमने इसका कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट इज देयर। अमाउंट इज 1000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 450, डिनर एक्सपेंसेस 1500। तो ये सारी चीजें मैं एज इट इज शो करते जाऊंगा। 1000 फिर मेरे पास आ जाएगा एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, ये मेरे पास आ रहा है 1500, और प्रिंटिंग स्टेशनरी बच्चा मेरे पास आ जाएगा 450। एज इट इज इनको शो करते जाइए, और इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस मेरे पास आ जाएंगे, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस दैट वर्क्स आउट टू बी 150। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां से इंफॉर्मेशन उठाई वहां डाल दी। डेप्रिसिएशन रिसीव पेमेंट में नहीं जाता क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस, अब इनकम से रिसीप्स, सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, एंट्रेंस फीस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिनर, स्पोर्ट्स रिसीप्ट, ये सारी नॉर्मल आइटम्स हैं, ये सारी आपने यहाँ पे दिखानी है। सो यहाँ पर आप करोगे एंट्रेंस फीस, नो इन्फॉर्मेशन रिसीप्स है मेरे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000, और मेरे दोस्त स्पोर्ट्स मीट, तो स्पोर्ट्स मीट का खर्चा 750। बच्चे इंफॉर्मेशन चेक करें, और उसके बाद यहां पर आप देखोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन टू अस, दैट इज 1600। सो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर गाइस, द बैलेंसिंग फिगर व्हिच कम्स आउट टू बी द ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पर अब आपको ये बनाना पहले जरूरी था, ये इसीलिए जरूरी है मेरे भाई क्योंकि इसके बगैर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो आपने क्या करा, कुछ वर्किंग नोट्स बनाए, कुछ वर्किंग नोट्स बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन को सारा एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। सो दोस्त ये बात याद रखना, जब तक आप ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाओगे, ठीक है, हाँ जी, जनरल एक्सपेंस के अंदर एक प्रीपेड था वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल एक्सपेंस के अंदर जो आपका प्रीपेड था बच्चा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपके पास क्या लिखा था वो भी आपको समझा देता हूं बच्चा। जनरल एक्सपेंस के अंदर बच्चा आपके पास 500 रुपए था, नीचे लिखा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। देखो अभी आपको प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आई एग्री विद दैट। अब लिखा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, तो जनरल एक्सपेंस में वो आपने इंक्लूड करा हुआ है। अब यहां पर फंडा क्या है कि अगर आपने इंक्लूड करा हुआ है तो फिर आप एक काम करो, आपकी पेमेंट तो हुई है ना, ठीक है, तो आपने क्या करा होगा, माइनस करा होगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा। इट्स अ वेरी गुड शोइंग, 500 यू शुड सो 560। सो बच्चे इसी चीज पे फोकस करते जाएं, जनरल एक्सपेंस आप वहां पर दिखाएं, इन फैक्ट यू शुड शो 560, राइट, ये बात याद रखें। एंड एक क्वेश्चन मेरे दोस्त का आया कि भाई सर ज्यादातर सम्स कौन से टाइम के आते हैं, आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं मेरे भाई, ज्यादातर सम्स आपको फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं, जो मैंने आपको बड़ा मेजर क्वेश्चन कराया। सो आई होप अंश एंड ज्योतप्रीत सिंह आप दोनों के डाउट्स क्लियर हैं, ठीक है। सो जनरल एक्सपेंस बच्चा यहां पर 560 दिखाना बेटर रहेगा, क्योंकि इंक्लूड करने का मतलब उसमें से माइनस करा हुआ है, बट आपने पेमेंट तो करी होगी ना, अगर आपने पेमेंट करी है तो उसका पैसा गया होगा, याद रखना, अगर आपने पेमेंट करी है तो उसका पैसा गया होगा, सो वो आपके पास डेफिनेटली 560 के फॉर्म में दिखाया जाएगा, राइट। और ज्यादातर क्वेश्चन हमें फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं। आफ्टर डूइंग दिस बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा, देन वी शुड गो विद ओपनिंग बैलेंस शीट। बच्चा ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिएगा, नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर आपके पास। देखिए आपके पास एक बड़ा सिंपल सा फंडा है जो ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन ये हमने निकाली है, ये पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। फ्री होल ग्राउंड आपको पिछले साल का लिखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिगनिंग का लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का दिया हुआ है, ये आपने जस्ट अभी कैलकुलेट करा 1390। एडवांस इज गिवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज गिवन, ऑडिट फीस अनपेड ऑफ द लास्ट ईयर इज गिवन। नाउ
एक लाइन नीचे लिखी थी, हमने पिछले साल बैंक लोन रेस करा था, तो पिछले साल रेस करा, आज भी वो अनपेड है, सो वो मेरी लायबिलिटी है बच्चा, ठीक है। सो बैंक लोन के बारे में याद रखिएगा, एंड यू गॉट एस कैपिटल फंड। सो वंस यू गॉट कैपिटल फंड मेरे दोस्त, आपको यहां पर क्या करना है, कैपिटल फंड में आपने सरप्लस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने सरप्लस को ऐड कर लेना है, दैट्स इट। सो आप यहां पे क्या करोगे, जो एडवांस और आउटस्टैंडिंग है सारी चीजें वो दिखाओ, अब क्लोजिंग वाली, राइट। बैंक लोन आपका आज भी लायबिलिटी है, फ्री होल्ड ग्राउंड को मैंने कुछ नहीं करा तो मेरा आज भी एसेट होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, आपको ये वाली प्रेजेंटेशन दिखाना नॉट नेसेसरी, याद रखो, क्योंकि अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन दिखाना इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज हमने सारा वर्किंग नोट अकाउंट के अंदर बना दिया है, राइट। सो अब आपके पास वहां पर सिर्फ एक चीज केयरफुली देख लेना, इंश्योरेंस प्रीपेड आपके पास है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इज गिवन। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर क्वेश्चन, प्रेस लाइक्स एंड स्टार, यू नो दैट गाइस, यू हैव टू प्रेस लाइक्स एंड सेंड मी स्टार्स, जल्दी से मेरे बच्चा, प्रेस लाइक्स एंड सेंड मी स्टार्स, जल्दी से बता दीजिए इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इंटायरली। Come on guys, stay positive in life. Pressing likes will not cost you anything. You have to stay positive. And I hope it is absolutely clear to everyone. बेटा ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपने उसी फॉर्म में करने हैं जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल कराया। चलिए दैट्स ग्रेट, आई होप एवरीबॉडी इज आल्सो सेंडिंग मी द स्टार्स, बिकॉज ऑल माय सुपरस्टार्स विल सेंड मी द स्टार्स। ओके, गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म, वी हैव वन मोर टॉपिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सी आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, educational institutions is not a very very important and relevant topic for you. हाँ, इसका एक example आप यहां से देख सकते हैं, educational institutions अगर suppose कर लीजिए आपके पास आ भी जाता है, so वो इतना relevant नहीं है, so आप यहां पर इसको सिर्फ एक example यहां से देख लीजिएगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया, नंबर वन जो आपने फोकस करना है वो है रिसीव पेमेंट वाला। एक एग्जांपल फिर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का देख लेना, इट हैज नो चेंज, इट हैज द सेम पैटर्न टू बी फॉलोड, राइट। अब सबसे ज्यादा आपको बता देता हूं, आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका एनपीओ, आपने कैसे करना है, आप टाइप वन पे सबसे ज्यादा फोकस करें कि क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट आपको गिवन होगा और आपने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। टाइप टू जो है वो आपका रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर गिवन होगा और आपने बैलेंस शीट वगैरह बनानी है। टाइप थ्री जो है उस पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा क्योंकि ज्यादातर आपके पास चांसेस इसी के होते हैं, राइट। अगर आपने टाइप थ्री का एक एग्जांपल करना है, आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, अपना मटेरियल दिया हुआ है, उसमें से आप एक टाइप थ्री एग्जांपल कर सकते हैं। टाइप थ्री जो है अगर आप देखोगे,
हमारे स्टडी मॉड्यूल में जो हमें आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें इनफैक्ट उसने आपको टाइप थ्री की इंफॉर्मेशन खास नहीं गिवन है, राइट। एक दूसरी बात याद रखिएगा, टाइप थ्री की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा नहीं गिवन है। तो आप स्टडी मॉड्यूल का एक याद रखना बच्चा, सेवेंथ इलस्ट्रेशन जरूर करें, ये भी बहुत अच्छा सम है। आई वुड रेकमेंड बच्चा स्ट्रांगली इसको करें, ठीक है। और फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे टाइप थ्री का हमारे पास एग्जैक्टली अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, आईसीआई के लेटेस्ट मॉड्यूल के अंदर, राइट। और एक ये फोर्थ बच्चा जरूर करें, फोर्थ जरूर करें। तो ज्यादातर आपका फोकस टाइप वन और टाइप टू पे रहना चाहिए, विद मोर स्ट्रेस ऑन टाइप वन, ठीक है। अब बच्चे जब रिवाइज करना चाहते हैं, बच्चे जब रिवाइज करना चाहते हैं भाई, आपको मैं बताऊंगा कि जो मैंने आपको आईसीएम का मॉड्यूल दिया है उसमें से एनपीओ के कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हो। आप फटाफट से अपने आईसीएम वाला जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड करा था फटाफट से निकाल लीजिए, मैं भी यहां पे निकाल लेता हूं और एक मिनट के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। फटाफट से बच्चे निकाल लें बेटा। हाँ जी दोस्तों, आई होप सारे बच्चों के पास आईसीएम वाला एनपीओ का मटेरियल होगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं, बट बच्चा इसको प्लीज रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखोगे मैंने एक आपको मटेरियल दिया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एनपीओ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक क्वेश्चन नंबर वन मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन मेरे बच्चा, इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो बच्चे क्या करेंगे भाई, एक तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनपीओ के हैं उसमें आपने क्वेश्चन नंबर वन जो है बच्चा इसको जरूर करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर वन विल बी रिलेवेंट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो हमारे पास क्वेश्चन वन एंड टू रिलेटेड हैं, राइट। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। बड़ा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपके पास ये जरूर करें, इसको मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, फिर जब आप क्वेश्चन थ्री कर लेते हैं सो उसके बाद आपके पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर, जो मैंने आपको बताया था जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर रिसीव पेमेंट गिवन है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लास्ट में टाइम बचेगा दोस्तों इसको देख लेना, इसका सलूशन आपके पास है। मैं बच्चों को थोड़ा याद करा देता हूं इसको करते कैसे थे। हम
एक्सपेंडिचर को रिसीप्स के साथ कंपेयर करके आउटस्टैंडिंग या एडवांस निकालते थे। छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे सपोज कर लीजिए यहां 5000 आपको मेंशन है और यहां लिखा है 6500 आपने पे करा है। अब आपने ज्यादा क्यों पे करा? ज्यादा इसलिए पे करा क्योंकि आपने 1500 रुपए की पेमेंट एडवांस में कर दी है। आपने क्या करा बच्चा, 1500 रुपए की पेमेंट आपने क्या कर दी बच्चा, एडवांस में, तो वो प्रीपेड सैलरी हो जाएगा। और प्रीपेड सैलरी कहां जाता है? वो जाता है एसेट में। तो खाली इसका सोल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड आई रिपीट गाइज, इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से आपने 1 and 3 जरूर करना है। ओके, फिर मैंने आपको एक एनपीओ का पूरा असाइनमेंट दिया था, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 वेरी प्रॉपरली, इसको मार्क कर लीजिएगा। देन मूविंग ऑन टू, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट, गाइज मार्क कर लेने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ओके, देन वी हैव वन क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस एनपीओ के लिए। बेटा देखो, करना सारे, बट जो मैं आपको बता रहा हूं वो अच्छे तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन जस्ट हमने आज सुबह करा, आपको याद होगा, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था आईसीआई मॉड्यूल का। आई टोल्ड यू ये मेरे मॉड्यूल में भी है, ये मेरी असाइनमेंट्स के अंदर भी है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने आज सुबह कर लिया विद ऑलमोस्ट सेम फिगर्स, राइट? तो दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन। सो अगर आप मार्किंग करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। आप देखोगे वी हैव डन एवरीथिंग लाइक दिस, हमने ये सारा कर लिया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सर एनपीओ के इतने सारे क्वेश्चंस, यस मेरे बच्चा ये करने पड़ेंगे क्योंकि एनपीओ के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चंस के अंदर कवर होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्त आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, राइट? इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद नेक्स्ट अगर आप आना चाहें सो आप सीधा जंप मार सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पास्ट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। सो बच्चों को रेकमेंड करूंगा बेटा आप ये बेयर बार क्लब वाला क्वेश्चन भी करेंगे। आप देखोगे ये सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है हमारे पास्ट एग्जामिनेशन में। और अगर आप आरटीपी सॉल्व कर रहे हो रिविजन टेस्ट पेपर, तो ये सेम क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा, राइट? थोड़ा नाम वगैरह चेंज होगा, हो सकता है कोई एक आध फिगर्स का फर्क हो, क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा, राइट? ओके, उसके बाद इसमें से एक आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट गाइस, बेटा ये अच्छी तरह करना बिकॉज लास्ट मिनट स्टडीज में ये चीजें काफी काम आती है, राइट? उसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा स्किप करके आप आ सकते हैं सीधा उन क्वेश्चंस पे, जैसे आपको, सॉरी आई मिस्ड आउट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर गिवन और रिसीव पेमेंट बनाना है। सो आई एम सॉरी गाइस, 13 क्वेश्चन वाज मिस्ड, वो आपको करना है। तो अगर आप देखो तो मैंने आपका 50% अप्रॉक्सीमेटली काम जो है वो कम कर दिया है। सो आप इसी पे ज्यादा फोकस करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, 1 and 3, उस पे फोकस करें। और ये वाले क्वेश्चंस पे आपको जो सारा पॉइंट्स करने मैंने आपको बता दिए हैं, राइट? और आईसीआई मॉड्यूल के जो आपको 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो मैंने आपको 6 और 7 बोला है, उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सो दिस वॉज द एनपीओ पार्ट, ठीक है? सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज बिफोर आई एंड दिस रिविजन क्लास, डू लेट मी नो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, कल हमारी रिविजन क्लास का टाइम है 6 PM, याद रखना, कल सैटरडे को हमारी रिविजन क्लास का टाइम होगा 6 PM। और मैं कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं। मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कराऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड गाइस डोंट मिस दैट क्लास बिकॉज वी विल बी रिवाइजिंग विद एंटायर फाइनल अकाउंट्स। मैं फाइनल अकाउंट्स
एनपीओ से रिलेटेड है एंड इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कल हम शाम को फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक सारा रिवाइज करेंगे, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वॉट एवर द केस में बी. राइट, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन मेंशन इट नाउ. कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल एंड दिस क्लास. सो डोंट फॉरगेट बच्चा, अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कल का सैटरडे का स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज है. एज यू नो मेरे बच्चों का संडे को टेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कल आप मॉर्निंग में आराम से अपनी मैथ्स की तैयारी कर लें. जब आप शाम को रिलैक्स मूड में होंगे तो मैं आपका 6 बजे आपकी क्लास लूंगा. चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू गाइज. कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बिकॉज हार्डवर्क से ही रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.